तो दोस्तों आज हम यूडाइस जो बच्चों की प्रोफाइल अपडेट है उसका ऑप्शन खुलवाया उसको हम आज करने वाले हैं। तो आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे, तो आप देखें और इसको वीडियो को देख करके आप आसानी से करना सीख जाएंगे। आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यहाँ हम आपको लैपटॉप से बता रहे हैं। तो आप क्रोम ब्राउजर पर जाएंगे, जिसे हम आ गए, उसकी सर्च बार में आपको टाइप करना है यूडाइस प्लस। पर इतना सा आप टाइप करेंगे, उसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो है पहली वेबसाइट आई है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो हम आपको अभी लॉगिन की प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। तो देख सकते हैं आप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ दे रखा है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आया स्टूडेंट मॉड्यूल्स, आपने पहले ये कर दिए, बाकी ये बच्चों करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, यानी कि राज्य, आपका राज्य सेलेक्ट कर लें, जैसे ये मध्य प्रदेश का कर लेंगे और ये गो पे क्लिक कर देंगे। गो पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि HDMS मॉड्यूल मध्य प्रदेश पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है यूजर आईडी में आपका स्कूल का डाइस कोड, यहाँ पासवर्ड आपको डालना और ये जो कैप्चा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना। तो चलिए हम कर देते हैं। स्मॉल है तो स्मॉल करना है आपको, कैपिटल है तो कैपिटल करना है, और इसके बाद हमने ये कर दिया। करने के बाद आपको ये लॉगिन पर क्लिक कर लेना। तो हमने ये कर दिया है लॉगिन पर क्लिक, और हम इसमें लॉगिन हुआ है। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार का थोड़ा सा आपके उस पर पॉपअप खुलेगा। यहाँ आप स्कूल इंफॉर्मेशन की जानकारी देख लें, कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास तक का है, स्कूल टाइप क्या है, और उसके बाद मैनेजमेंट क्या है, ये सारी जानकारी एक बार आप चेक कर लें। आप देख सकते हैं एकेडमिक स्टार्ट डेट 16 जून 2022, यानी कि 16 जो 2021-22 का सत्र स्टार्ट हुआ था वो 16 जून 2022 में हुआ था, और ये 30 अप्रैल 2023 को ख़त्म हुआ। तो ये इसी की हम जानकारी भरना है। तो इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर स्कूल का नाम, डाइस कोड वगैरह आ जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं क्लास और ग्रेड, यहाँ जो भी आपकी स्कूल की क्लास होंगी वो आपके यहाँ पर होने लग जाएंगे। जैसे अभी हमारा ये फ्रेंड का मिडिल स्कूल है और उसकी जो है क्लास है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो आपकी जो भी क्लास होगी वो आपको शो होने लग जाएगी। तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन आ रहा है, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और टोटल कितने हैं। एक बार ये आप मिला के देख लें कि आपके डाटा जो स्कूल में है उसके अनुसार सही है नहीं है। नहीं है तो आप उसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा है तो कम हटा सकते हैं और कम है तो जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये व्यू मैनेज दे रखा है, यहाँ से हमको इसको करना है। लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं ये सेक्शन मैनेजमेंट, इसको सबसे पहले आपको करना होगा। इसके करने के बाद अभी आप यहाँ से लिस्ट भी देख सकते हैं, सारी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, तो आप आराम से वीडियो को देखें। तो बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं हम, यानी कि शुरू से शुरू। तो सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने जाएगा। तो यहाँ आपके सामने देखें आप क्लास भी आ चुकी हैं, जो भी आपकी मिडिल है तो मिडिल की 6, 7, 8 आ जाएगी, प्राइमरी तो 1 से लेकर 5 तक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अलग से जोड़ना नहीं कुछ, आपको ये दे रखा है एक्सपेंड ऑल सेक्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 यहाँ देख सकते हैं सेक्शन आ गया। सेक्शन एलाइज ये नॉट अवेलेबल, और मीडियम भी यहाँ पर नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सामने दे रखा है एक्शन में एडिट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये तीनों क्लास को आपको करना है। तो हम 6 से करते हैं पहले शुरुआत। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन क्लास 6 आ गया, सेक्शन ए आ गया, यहाँ पे ये आप डाल दें ए, और यहाँ आप देख सकते हैं मीडियम। तो आपको मीडियम आपका हिंदी का, इंग्लिश का, जो भी आप डाल दें। तो हम ये हिंदी का है और अपडेट कर देते हैं, ये अपडेट हो गया। अब ये आप देख सकते हैं अपडेट होकर के आ गया है। अब जो है क्लास दूसरे पर करना है, तो उसके पास दोबारा से आपको कोलैप्स ऑल स्टूडेंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप कर दिया, उसके बाद ये सेक्शन क्लास 7 में आएंगे, जो भी अब क्लास है उस पर आपको आना है, यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पे मीडियम आपको चुन लेना है और अपडेट कर देना है। इसी प्रकार से आप जो है जो आपकी रह गई उस क्लास का आप कर दें, जैसे कि हमारा 8 का रह गया। इसका बिना इसके आपका जो है ये अपडेट नहीं होगा, ये आप विशेष ध्यान रखें, इसको आपको करना अनिवार्य है। ये हमारा ये अपडेट हो चुका है, ये सेक्शन ये लिखा है सेक्शन सक्सेसफुली अपडेट। ये स्कूल डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो है क्लास 6 में हम व्यू मैनेज पर क्लिक करेंगे, ऐड स्टूडेंट करना, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए व्यू और मैनेज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपके जो है 6 क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों की जो है जानकारी खुल गई। इससे पहले हम आपको बता दें
कि आप जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके सारे स्टूडेंट आ गए यहाँ पे। देख सकते हैं आप कोई कम ज़्यादा तो नहीं है, ये पूरे स्टूडेंट आएंगे यानी 6 से लेके 8 तक। यदि आप 1 से 5 तक करें तो 1 से 5 तक के सारे स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएंगे। और आप जो है एक्सेल शीट में इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो हम स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे वापस से और क्लास 6 का करने वाले हैं। एक स्टूडेंट को हम आपको करके बताएंगे प्रैक्टिकल ताकि आप सीख सकें। ये देख सकते हैं आप बहुत सी जानकारी यहाँ पे सामने आपकी आ रही है, टोटल इनरोलमेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने बॉयज़ हैं यानी लड़कियाँ हैं, कितने गर्ल्स हैं। और ये देखें आप यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज आ रही है हिंदी और इंग्लिश, ये आप देख सकते हैं। जिसमें आप भरना चाहें उसमें आपको ये सुविधा रही है। अभी इंग्लिश है, अभी हम आपको करके बताएंगे। इस पर व्यू पे मैंने इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं क्लास 6 की जानकारी यहाँ पर आ चुकी है। ये सेक्शन ए आ गया है, स्टूडेंट का कोड आ गया है, नेम आ गया है, आप जेंडर आ गया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और एंटी स्टेटस है, इन प्रोग्रेस है। यहाँ आप देख सकते हैं मेन चीज ये फॉर्म स्टेटस, ये जीपी यानी कि जनरल प्रोफाइल स्टूडेंट की आपको अपडेट करना है। दूसरे नंबर पर ईपी यानी कि एनरोलमेंट प्रोफाइल अपडेट आपको करना है। और तीसरी है एसएफ यानी कि स्टूडेंट फैसिलिटी। तो ये तीनों चीज़ आप जब अपडेट कर देंगे तो ये अभी रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये ग्रीन हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं, इसी बच्चे पर हम क्लिक कर देते हैं, जीपीएस की अपडेट हम करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पर इंटरफेस के सामने खुलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ यानी कि 4.1.1 से ये स्टार्ट है और ये लास्ट तक जा रहा है, ये आपका 4.1.19 यानी कि 19 तक है। इसको पूरा आप एक एक कॉलम को पढ़ लें और उसको सही सही जानकारी आप भर दें। पहले से कुछ जानकारी भरी हुई आ रही है वो ठीक है, उसको भी देख लें, वो गलत तो नहीं है, गलत है तो सही कर लें। तो स्टूडेंट का नाम आप देखेंगे एज पर स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेंडर देख लेते हैं, मेल है ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप आपके रिकॉर्ड में एक बार मेंशन कर लें, हम भी हमारे जो फ्रेंड बता रहे हैं उसको एक बार उसको देख लेते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि 9/10/11 ठीक है। और उसके बाद यहाँ दे रखा है स्टूडेंट कोड यानी कि यहाँ पर शायद समग्र आई डी आएगी बच्चे की समग्र आई डी आएगी, देख लें आप तो ये सही है उसकी समग्र आईडी। मदर्स नेम आप देख लें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है, इसको सुधारेंगे। तो चलिए हम आपको करेक्शन करके दिखा देते हैं। यहाँ लिखा है फूली भाई जबकि है भूली भाई है, तो ये ऐप को वो क्रॉस कर देना और ये उसकी जगह बी आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं भूली भाई आ गया। पूरन सिंह पिता का नाम सही है, गार्जियन नाम आप ये गार्जियन हुई है, आधार नंबर यहाँ आपको सही सही आधार नंबर आपको फिल करना है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चे का आधार कार्ड एकदम सही सही आपको भरना है। अभी हम भर रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ जानकारी हम जो है बिलोर कर देंगे ताकि आपको ये दिखाई नहीं देगी सिक्योरिटी रीजन के चलते। ये आप देख सकते हैं हमने पूरा ये आधार नंबर भर दिया है। यहाँ पे आधार में जो नाम है वो उसके नाम के अनुसार आप बच्चे का नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो हम डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको एड्रेस डालना है। तो जो भी एड्रेस है आपके स्कूल के आपके बच्चे का वो आप डाल दें। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप डाल दें। एड्रेस डालने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लें, बाद में चेक करेंगे। पिन कोड जो आपके एरिया का पिन कोड वो डाल दें आप, यहाँ डाल दिया। और यहाँ देख लें मोबाइल नंबर, आप एक बार आप रिकॉर्ड में मिला लें कि ये नंबर सही नहीं। ऊपर देखें आप रेड कलर में लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तो वापस से आपको यहाँ पे जो है इसकी जो समग्र आईडी है वो आपको डालना है। तो समग्र आईडी हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये डाल दी। उसके बाद फिर आगे कॉलम पे चलते हैं, फिर ये मांग रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दी हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे दी जो है ईमेल आईडी बच्चे की है तो बच्चे ही डालें, नहीं तो आप देख सकते हैं rayanwale.com की आ रही है जो हमने अभी केवल आपको दिखाने के लिए बताया था, बाकी आप अपने हिसाब से देखें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर एडिशनल डिटेल में आप देखें मदर टंग ऑफ स्टूडेंट हिंदी है तो हिंदी ठीक है। सोशल कैटेगरी, अब आपको मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ से अभी भी लैंग्वेज बदल सकते हैं। चलिए बदल के बता देते हैं आपको, हिंदी कर देते हैं। ये सारा आप जो है हिंदी में खुलेगा। अब ये देख सी हम यहाँ थे, बच्चे की मातृभाषा हिंदी है, सामाजिक श्रेणी ओबीसी है ठीक है, अल्पसंख्यक समूह में है यहाँ आपको क्लिक करना और चुन लेना है। तो जो भी अल्पसंख्यक है उस पर क्लिक करना नहीं है तो आपको एन करना है। क्या गरीबी रेखा के नीचे लाभार्थी है, हाँ या नहीं, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो आप चुन लें।
और फिर क्या अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। आर्थिक रूप से कमजोर EWS वंचित समूह की सम्मिलित है, तो ये देख सकते हैं आप EWS में केवल जनरल कैटेगरी के ही आते हैं, तो आप अपने हिसाब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं या नहीं, नहीं पे क्लिक करें आप। यदि हाँ है तो यहाँ पे, यदि हाँ करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है नो है, इसलिए ये जो है फ्री हो जाएगा, यानी कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। अगला, क्या बच्चा भारतीय नागरिक है? हाँ। क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है? हाँ है तो आपको ये पूरा विवरण देना पड़ेगा, नहीं है तो आप ये नहीं कर देंगे। क्या बच्चों को ये देख सकते हैं फ्री हो गया। अब उसका ये एक बार सही से चेक कर लें आप, बाई चांस भरते में मिस्टेक हो जाए, कोई कीबोर्ड आपने की दबाया हुआ दूसरा दबाया हुआ तो मिस्टेक हो सकती है, जिसको अच्छे से चेक कर लें। सारी जानकारी चेक करने के बाद आपको लिखना, ये लिखा अद्यतन यानी अपडेट, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये देख सकते हैं आप। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानसिक परिवर्तन किया गया है, पुराने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नाम इस रूप में चिन्हित किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो ये आप देख रहे हैं आपके साथ नए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मान के रूप में चिन्हित किया गया है नौ, तो ये पुराने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मान इस रूप में चिन्हित किया गया है यस, तो आप देख लें कोई जानकारी मिस्टेक ना हो, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष फोकस करें आप, ये हमने नहीं किया है। बाकी क्या बता रहा है वो, ये इसको पुष्टि कर दें, पुष्टि करेंगे तो ये देख सकते हैं आप जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुल हुआ, ये पॉपअप मैसेज आएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारा पहला जो था प्रोफाइल वो अपडेट हुआ। दूसरा आया स्कूल में छात्रों के नामांकन का विवरण, ये आप देख सकते हैं स्कूल प्रवेश संख्या, आप देख लें आपके उस रजिस्टर में मिला लें प्रवेश रजिस्टर में कि उसकी जो स्कूल प्रवेश संख्या वो कितनी है, वो आप यहाँ पे भर दें सही सही, तो हम यहाँ भर देते हैं। और उसके बाद वर्तमान कक्षा प्रवेश की तिथि क्या है देख सकते हैं आप, ये इसमें ऑटो डाल रही है 10/7/2022, आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें पिछला सत्र जो है जून में स्टार्ट हुआ था, और कब से स्टार्ट हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ डेट देख रही है, 15 तक तो इनविजिबल हो रहा है, तो 16 से स्टार्ट हुआ था, तो आप डाल दें 16 जून 2022। कक्षा अनुभाग रोल नंबर उसका जो भी आप देना चाहें डाल सकते हैं। छात्र द्वारा चुनी गई सेक्शन स्ट्रीम केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए है, तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, उच्च माध्यमिक कक्षाएं जो होती हैं उनके लिए हैं। पिछले शैक्षण वर्ष 21-22 में छात्र की स्थिति क्या थी, एट स्टूडेंट करेंट सेम स्कूल में था या फिर दूसरे स्कूल में था, तो यहाँ आप कर सकते हैं। जैसे छठवीं में आपके यहाँ आया तो पाँचवीं में अदर स्कूल में पढ़ रहा, तो स्टडीज एट अदर स्कूल पर क्लिक करें। और यहाँ आप पिछले शैक्षण वर्ष 21-22 में अध्ययन किया गया ग्रेड यहाँ आप डाल सकते हैं, फिफ्थ में था पिछले सत्र की पंद्रह के तहत नामांकित या प्राइवेट के लिए है, ये आपके लिए नहीं, प्राइवेट स्कूल ये फ्रीज भी हो रहा है। उसके बाद पिछली कक्षा में अध्ययन किया क्या परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, हाँ या ना, बच्चा यदि हाँ है तो आपको ये प्रिपेरिएट करना, नॉट नहीं है तो ये वैसे तो प्रेजेंट हुआ है अभी, तो ये बच्चा यहाँ पर आया है। पिछली कक्षा में अध्ययन किया परीक्षा का परिणाम क्या था, यहाँ डालना था प्रमोट या पास्ट विथ ग्रेस, ये आप डाल सकते हैं पास्ट। पिछली कक्षा का अध्ययन अंक आपको पता हो तो डाल दें, नहीं तो उस कॉलम को भी आप ऐसे ही छोड़ दें, छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो भी है कुछ भी आप डाल सकते हैं। आपके उसमें देख लें बच्चे की TC वगैरह आपके साथ में आई हुई, कितने दिन बच्चे स्कूल आया, ये भी आप डाल दें। चलिए एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लें, चेक करने के बाद आपको लिखना है जमा करें पर क्लिक करना है, तो जमा करें पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पॉपअप आया कि एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये अंतिम पेज है, हमने पहले छात्र की सामान्य जानकारी भरी, फिर उसके बाद स्कूल छात्र के नामांकन का विवरण, अब छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विवरण, बच्चों को स्कूल में क्या सुविधा मिल रही है उसके विषय में हमको भरना है। तो ये आप देख सकते हैं छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधा डेटा भरने के वर्ष के लिए, तो आप यहाँ पे हाँ करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन खुल गए हैं। ये निःशुल्क पाठ पुस्तकें मिलती हैं तो टिक कर दें, निःशुल्क वर्दी यूनिफॉर्म मिलता है तो टिक कर दें, जो जो मिलता है वो टिक कर दें, निःशुल्क परिवहन सुविधा है नहीं है तो छोड़ दें, जो देख लें आप अपने हिसाब से जो भी आपके स्कूल में मिलती है बच्चों को। छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति हाँ नहीं, केंद्रीय छात्रवृत्ति मिलती है हाँ नहीं तो नहीं कर दें, छात्रवृत्ति का कोड नाम लिखना पड़ेगा हाँ करेंगे तो, और राज्य छात्रवृत्ति हाँ हाँ और नहीं, अन्य छात्रवृत्ति हाँ नहीं, उपरोक्त में से कोई भी हाँ एक और तो छात्रवृत्ति राशि आपको लिखना पड़ेगी, तो यहाँ आप देख सकते हैं हाँ कर दिया हमने, ये 200 रुपये उसको मिलते हैं। उसके यहाँ देख सकते हैं आप
ये कॉलम है, इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधा डेटा भरने के वर्ष में, तो हमने वहाँ पर नो कर दिया, तो इसलिए पहले से फ्रीज होकर आया, यानी कुछ इसमें आप नहीं कर सकते। फिर अगला कॉलम है, क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चों की जांच की गई, हाँ या नहीं, तो आप जो भी आपके हिसाब से कर सकते हैं। क्या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है, तो ये भी नहीं की गई है, तो आप हाँ कर दें। क्या अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जाँच की गई है, तो ये अपने हिसाब से आप देख लें की गई है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं। क्या छात्र किसी पाठ्यत्व गतिविधि में शामिल है, देख लें आप, छात्र की पहचान एक प्रतिभागी छात्र के रूप में की गई है, और ये देख सकते हैं आप। क्या बच्चा एनसीसी एनएसएस कैवेलरी गार्ड में भाग लेता है, ये देख लें आप। करने के बाद उसको एक बार फिर से आपको जमा करना है, जमा करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रहा है, यहाँ भी आपको अन्य छात्रवृत्ति में करना है, नहीं, अब उसको जमा कर दें, जमा कर देंगे, फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। अब एक बार आप देख लें, जो भी आपने ये तीन प्रकार की जानकारी भरी है वो सारी यहाँ आ चुकी हैं। कोई गलती है तो अभी भी आप सुधार सकते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद जैसे डाटा पूरा करें और कंप्लीट होगा उसमें आप नहीं सुधार सकते, तो अच्छे से इसको चेक कर लें। थोड़ा सा हम वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, हम भी चेक कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आपने ये जानकारी पूरी चेक कर ली, हमारे फ्रेंड ने भी चेक कर ली, सही है। तो चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं डेटा पूरा करें पे आपको क्लिक करना है, तो हमने यहाँ क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं एक बार फिर से पॉपअप में पूछा जा रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, क्या आप सुनिश्चित हैं इस डाटा को पूरा करने के लिए, तो आप नहीं हैं तो क्लोज कर दें, यदि हैं तो ओके कर दें, तो हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से आपके पास एक पॉपअप आएगा डाटा कंप्लीट, तो आपको फिर नेक्स्ट स्टूडेंट पर ले जाइए, तो ये आप देख सकते हैं ये अब जो है नेक्स्ट स्टूडेंट पर आ गया है, ये दूसरा बच्चा आ चुका है, तो ये हमने आपको बता दिया। चलिए अब इसका हम चेक कर लेते हैं, इस बच्चे का हमने जो किया है वो सही है या नहीं, तो चलिए हम देखते हैं। ये वापस से हम जो है इसमें आ गए हैं और यहाँ से देखें पे क्लिक करें, आप देख सकते हैं ये कक्षा छः का बच्चा लिया था हमने, और इसकी जो है जी पी ई पी और एफ एफ जो है पूरा कम्प्लीट हो गया। कोई गड़बड़ होती है या बच्चा ज़्यादा है कम है तो यहाँ से आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप वापस से, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड होगा, नाम डाल दें आप इसका, यही रहेगा, और इसको सेव कर लें, तो ये आपके जो है उसमें भी सेव हुआ है, उसकी आप जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों काम थोड़ा सा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं ये काम, मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है, किस प्रकार से आप बच्चे का जो है अपडेट कर सकते हैं, लेकिन विशेष ध्यान रखें ये अनुभाग प्रबंधन, इंग्लिश में अपन बात करें तो ये जो है सेक्शन मैनेजमेंट सबसे पहले आपको करना है, उसी के बाद आप सारी चीज़ें कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, और करने के बाद आप जो है इसको लॉग आउट यहाँ से कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, सीखे हैं तो भी बताएं, और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट करें, हम तुरंत आपको कमेंट में जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।